बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन की बेसिक बातें पढ़ी थी, बेसिक बेसिक बिल्कुल चीजें थी जो आप लोग अपने इंटरमीडिएट या मैट्रिक लेवल पे पढ़ते हुए आए थे, उनको रिवाइज किया था। अब आ जाओ टाइप्स पे, और जो इंपॉर्टेंट वाले टाइप्स हैं उनको हमने कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहली टाइप जो मैं यहां पर कवर करवाऊंगा वो कौन सी टाइप है, वो कहलाती है पीसवाइज फंक्शन। आई एम श्योर आप लोगों ने नाम सुना होगा पीसवाइज फंक्शन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैलकुलस के अंदर। पीसवाइज फंक्शन होता क्या है बच्चों? पीसवाइज फंक्शन सिंपल ये होता है कि अगर आपको एक फंक्शन गिवन हो, जैसे फंक्शन को एक इक्वेशन से आप रिप्रेजेंट करते हो, वो ओवरऑल पूरे ग्राफ पे आप ड्रॉ कर रहे होते हो, लेकिन पीसवाइज फंक्शन में आपको दो तीन अलग अलग फंक्शन उनकी इक्वेशन गिवन होती है, लेकिन उसमें होता है कि हर फंक्शन को एक खास डोमेन के अंदर आपने ड्रॉ करना होता है। तो अगर तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन को आपने उसकी डोमेन में ड्रॉ करना होता है, तो ओवरऑल आपको फंक्शन मिलता है। पीस वाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और पीस वाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहां पे आप लोगों के, अच्छा बहुत ही मशहूर एक पीस वाइज फंक्शन है जिसको हम मॉडुलस फंक्शन कहते हो, उसकी फॉर्म आपके पास क्या होती है, मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉड एक्स जिसको हम कहते हैं। तो ये एक्स के बराबर होता है, माइनस एक्स के बराबर होता है। एक्स के बराबर उस वक्त होता है जब ये एक्स ग्रेटर देन जीरो या कुछ पॉजिटिव पुट करो आप, अगर नेगेटिव पुट करोगे तो ये किसके बराबर होगा, माइनस एक्स के बराबर होगा। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है मॉड के अंदर, जब मैं इनकी आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करवा रहा था तब मैंने इनके बारे में आपको बताया था कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। वैसे भी आपको आसानी से मिल जाएगा इसके बारे में, और इसका ग्राफ भी अगर आप देखो, ग्राफ वी किस्म का होता है, ये होता है, ये ग्राफ होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, आपको पता होना चाहिए। डोमेन सब रियल नंबर है लेकिन जो रेंज है आउटपुट है वो जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी कुछ भी आपको मिल सकता है। तो ये भी एक पीस वाइज फंक्शन है लेकिन ये कॉन्टिन्यूस पीस वाइज फंक्शन है। हम एक फंक्शन डिस्कस करते हैं पीस वाइज जिसमें तीन फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन हो माइनस एक्स, ये वैलिड है जब एक्स लेस देन जीरो हो। फिर गिवन हो एक्स स्क्वायर, ये वैलिड है जब एक्स जीरो और वन के दरमियान हो। और एक हम देते हैं वन जिसमें एक्स ग्रेटर देन वन होना चाहिए। अगर आप देखो इस फंक्शन को तो पीसेस में टूटा हुआ है, लेकिन हर पीस या खास डोमेन के अंदर है उसी में आपने ड्रॉ करना है, ओवरऑल पूरा आप ड्रॉ नहीं कर सकते। अब पीस वाइज फंक्शन को ड्रॉ करना आना चाहिए, किस तरीके से आप ड्रॉ करोगे? सबसे पहले तो आप ओरिजिनल जो फंक्शन है ना उनको ड्रॉ करो, उसके बाद जिस हिस्से पे आप वो वाला ऐसा रखो बाकी को मिटा दो। जैसे सबसे पहले अगर आप देखो आपके पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स कंफ्यूज कर सकता है, जस्ट आप कंसिडर करो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये इसका अगर आप ग्राफ देखो तो ये उस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, इस टाइप की। ये वो स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होती है। अब जब आपने ड्रॉ कर लिया ओवरऑल पूरी डोमेन के ऊपर, ठीक है, अब आप देखो कि एक्चुअल में आपको सवाल में गिवन क्या था, ये किस डोमेन के ऊपर है, ये आप किस डोमेन के ऊपर है, जब x लेस देन जीरो होगा, मतलब जब x नेगेटिव होगा तभी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो ग्राफ आपने बनाया है इसको नेगेटिव तक रखो क्योंकि इसमें x नेगेटिव है, तो ये ग्राफ वैलिड है। जब x पॉजिटिव होगा तो ये वैलिड नहीं होगा, तो जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है उसको आप मिटा दो, ठीक है। इवन ओरिजिन भी इसके अंदर शामिल नहीं है, तो मैं ओरिजिन पे एक ओपन डॉट लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है x लेस देन जीरो, जीरो इसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। तो ओरिजिन पे मैंने क्या किया, ओपन डॉट लगा दिया, और जब भी x नेगेटिव होगा तो ये पीस कौन सा होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का। अब बात करते हैं दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यह भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि ये पैराबोला की इक्वेशन है। अगर आप इसको रैंडमली ड्रॉ करो, मैं एक्चुअल अभी कोई डायमेंशन लेके नहीं कर रहा कि एक्चुअल में क्या बनेगा इसका, आपको इस टाइप का पैराबोला मिलेगा, ये किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। अगर आप ग्राफ इनको दोनों को सॉल्व करो तो आपको समझ आ जाएगी कि कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वन वन पे कर रहे होंगे शायद, अगर आप ऑब्जर्व करो माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां पे जीरो होगा तो एक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अच्छा तो x इज इक्वल टू माइनस वन और x इज इक्वल टू जीरो, तो ये x की वैल्यू माइनस वन पे इंटरसेक्ट करते हैं और ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये एक ग्राफ होता है सिंपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, लेकिन अब ये ओवरऑल डिफाइन नहीं है, इसको हमने किसके अंदर ड्रॉ करना है, इसको हमने जीरो और वन के दरमियान ड्रॉ करना है जिसमें जीरो शामिल है लेकिन वन शामिल नहीं है। अगर आप यहां पर एक्सिस बनाना चाह रहे हो मतलब वैल्यूज, तो इसको वन कह देते हैं, यहां पर वन की यहां पर होगा, इसको हम टू कह देते हैं, ये वन है ये टू है, ये माइनस वन होगा ये माइनस टू होगा, बस वन तक आपने स्केलिंग करनी है क्योंकि वन के बाद कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दी नहीं गई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस पीस को मिटा देना है इसके अलावा में, ठीक है। इसके अलावा क्या, सबसे पहले जीरो
से स्टार्ट होगा, तो जीरो से पहले आपने पूरा ये मिटा देना है, जीरो से पहले मैंने पूरा ये मिटा दिया। अब जीरो पे वैलिड है ये, तो दैट्स व्हाई ये जो मैं इस सर्किल को जो ओपन डॉट है ना इसको मैं फिल कर रहा हूं, इसकी वजह से नहीं, मैं इसको इसकी वजह से फिल कर रहा हूं, क्योंकि y = x वाला ग्राफ ओरिजिन से पास होता है ना, तो जब जीरो इसमें शामिल है तो दैट्स व्हाई इस जब मैं ग्राफ को ड्रॉ करूंगा ना इस वाले को, तो इसमें ओरिजिन को मुझे डॉट बनाना पड़ेगा क्योंकि शामिल है। पहले वाले में ओपन था लेकिन अब मैं यहां पे फिल कर दूंगा। और कहां तक ये बनेगा, ये वन तक बनेगा, तो वन से ऊपर आपने कर देना है, और वन पे आप क्या करोगे यहां पे ओपन डॉट बना दोगे। तो अगर आप देखो ये जो पीस है ना वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, लेकिन ये कहां तक वैलिड है, जीरो से लेके वन तक वैलिड है, ठीक है, और वन भी शामिल नहीं है, दैट्स व्हाई वन पे मैंने एक ओपन डॉट बना दिया। तीसरा पीस क्या है, वाई इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन तो एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है जो वाई एक्सिस को वन पे क्रॉस कर रही है, तो कंसिडर कर लो ये वन है, ठीक है, क्योंकि आप इसके अंदर हाँ ये वन इसमें होगा बिल्कुल, जब वन पुट करते हो तो आंसर वन ही मिलता है ना एक्स स्क्वायर के अंदर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन पीछे भी जाएगी लेकिन मुझे पता है ये स्ट्रेट लाइन कब वैलिड है, जब x ग्रेटर देन 1 होगा, और 1 से ग्रेटर ये वाला पूरा रीजन है, तो पीछे आप पूरा मिटा दो, ठीक है, और ये 1 से ग्रेटर जो रीजन है इसको आप कंसीडर कर लो, ठीक है। अब इसके अंदर एक्चुअल में यहां पे ही होना चाहिए, इसको इक्वल का होगा, नॉर्मली जब पीस वाइज के आते हैं ना तो आपको इक्वल दे दिए जाते हैं, हाँ ठीक है, अगर इक्वल ना भी दिया जाए, अगर यहां पे भी एक्स ग्रेटर देन 1 होता और यहां पे भी एक्स लेस देन 1 होता, फिर हम कहते हैं वन पे डिफाइन नहीं है और वन पे हम ओपन डॉट ही रखते हैं, लेकिन यहां पे नॉर्मली आपको जो पीस वाइज दिया जाता है तो एक पीस में अगर वो चीज शामिल नहीं है दूसरे में कर दी जाती है, तो उस डॉट को आप फिल कर देते हो, अगर ना किया जाए तो वो डॉट ओपन ही रहेगा, उस पर आपकी डिसकंटिन्यूटी रहेगी, तो इसको अभी फिलहाल हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि वन शामिल है, दैट्स इट, ये आपके पास ग्राफ आ गया पीस वाइज फंक्शन का, आप इस तरह समझ लो, ठीक है। तो अभी जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया पीस वाइज फंक्शन कहलाया जाएगा, ये पीस वाइज फंक्शन जो है तो कंटिन्यूस, आपको कोई डिसकंटिन्यूटी नजर नहीं आ रही, लेकिन इसको हम तीन पीसेस को अलग अलग एक खास डोमेन पर ड्रॉ किया है तो ये आपके पास पूरा पीस वाइज ड्रॉ हो गया। मेरे पास कुछ और भी एग्जाम्पल है ताकि मजीद आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ये तो खैर काफी बच्चों वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये आ जाए, आपको बोला जाए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और टू माइनस एक्स, ये पीस वैलिड है जीरो और वन के दरमियान, ठीक है, और ये वाला पीस वैलिड है वन और टू के दरमियान, दैट्स इट, मतलब जीरो से लेकर टू तक के दरमियान ही आपने फंक्शन को ड्रॉ करना है। तो किस तरह करोगे, अगेन वही बात, सबसे पहले आप ग्राफ को ड्रॉ करो, आप जरा ना इन दोनों चीजों को ड्रॉ कर लो पहले, फिर उसके बाद मिटा देंगे, कंसीडर कर लो कि फॉर एग्जाम्पल ये जीरो है, इसको वन ले लेते हैं, इसको टू ले लेते हैं। अब जो पहली चीज है ये सिंपल y इज इक्वल टू एक्स है, ये वो लाइन होती है जो मतलब अगर यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स उस लाइन की इक्वेशन होती है जो बाइसेक्टर होती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की, तो इस टाइप की एक लाइन है, ठीक है, मतलब इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स क्या होते हैं, 1, 2, 2, ये सारे पॉइंट्स होते हैं, तो वही मैंने ड्रॉ किए हैं ताकि थोड़ा ग्राफ अच्छा लगे, तो ये सिंपल मैंने ड्रॉ कर ली y इज इक्वल टू एक्स लाइन। दूसरी लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इसको ड्रॉ करने का तरीका, इंटरसेप्ट आप निकाल लो, अगर इस वाली स्ट्रेट लाइन का आप x इंटरसेप्ट निकालोगे तो आपको मिलेगा 2, ये है 2, और अगर इस वाली स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट निकालोगे तो क्या मिलेगा, वो भी 2 मिलेगा, ये रहा, तो आप इस लाइन को ड्रॉ कर दो। क्या इस लाइन के ऊपर 1, 1 पॉइंट है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये लाइन इस पॉइंट से भी पास कर दी होगी, ये मैंने दो स्ट्रेट लाइन को फिलहाल ड्रॉ कर दिया। अब आपने देखना है जो पहली वाली लाइन है कब वैलिड है, जीरो और वन के दरमियान है, ये जीरो है और ये वन है, इसके अलावा इस वाली लाइन को आप हटा दो, दैट्स इट। अच्छा जी, दूसरी लाइन जो कब वैलिड है, वन से लेकर टू तक वैलिड है, अच्छा वन उसके अंदर शामिल नहीं है तो टेक्निकल तौर पर ओपन डॉट लगना चाहिए, लेकिन वन इसके अंदर शामिल था तो वो डॉट फिल हुआ होगा, ठीक है, तो वन से लेके टू तक आप बनाओ, ये वन है और ये टू है, तो भाई वन से पहले जो है वो आपने इस लाइन को मिटा देना है, ठीक है, और टू के बाद आपने इस लाइन को मिटा देना है, तो आपको इस टाइप का ग्राफ मिल जाएगा। टू भी शामिल है तो टू भी मैंने इसको फिल कर दिया, वन शामिल नहीं था लेकिन वन ऊपर शामिल था, मतलब यहां पर फिल डॉट बना था, इस पे ओपन डॉट बना था, लेकिन वो आपको ओपन डॉट नजर नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी फिल हुआ है, तो इस टाइप को आपको एक ग्राफ मिल जाएगा, ट्राइंगल किस्म का बना है, ये भी एक पीस वाइज फंक्शन है। इसी तरीके से अब हम कुछ और एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास यहां पे आ जाए जीरो, एक्स इज लेस देन माइनस वन,
स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से लेके 1 के दरमियान, और x जब 1 से या 1 से बराबर हो या 1 के ग्रेटर हो। अगेन आपको फंक्शंस को पता होना चाहिए, फंक्शन को ड्रॉ किस तरीके से करना है। जैसे पहला जो है वो है y इज इक्वल टू 0, सिंपल x एक्सिस। तो जब माइनस 1 से कम कम जो है वो सिंपल x एक्सिस है। कहने का मतलब आपकी लाइन जो है वो x एक्सिस के ऊपर है। कब तक, मैं पहले मार्किंग कर देता हूं, इसको 1 कह देते हैं, इसको माइनस 1 कह देते हैं। तो ये जो है ये फंक्शन है y एक्सिस के ऊपर है, कब तक, माइनस 1 से पहले पहले तक और माइनस 1 तक। तो ये मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। दूसरा क्या है, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप ऑब्जर्व करो ये किसकी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप ऑब्जर्व करो तो यूनिट सर्कल की इक्वेशन है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप स्क्वायरिंग करो ये जगह y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, यूनिट सर्कल की इक्वेशन है। लेकिन जो यूनिट सर्कल से y की वैल्यू निकाली हुई नॉर्मली 2 आती है ना, इन्होंने जस्ट पॉजिटिव वाली कंसिडर किया है, जस्ट इसको कंसिडर किया है। तो ये बेसिकली एक सेमी सर्कल की इक्वेशन है। सेमी सर्कल किस तरह बनेगा, वही जो आपको पहले बना के दिया था, इस टाइप का एक आपको सेमी सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखो ये माइनस 1 और 1 दोनों पे भी नहीं है, तो 1 पे हम क्या करेंगे, एक ओपन डॉट बना देंगे। और माइनस 1 पे तो पहली इसका डॉट फिल हुआ था ना, इसका बेशक ओपन था लेकिन पहले वाली लाइन का फिल था तो आपको नजर नहीं आया, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करो आप तीसरा पीस क्या है, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू x की इक्वेशन ये होती है, ठीक है। लेकिन y इक्वल टू x कब वैलिड है, 1 से ग्रेटर या 1 पे वैलिड है, ठीक है। तो 1 कहां पे होगा, 1 तकरीबन यहां पे होगा, तो उससे पहले आप इस लाइन को हटा दो, ठीक है, तो आप इस तरह बनाओगे इसको। तो अगर आप ऑब्जर्व करो बिल्कुल 1 के ऊपर मैंने बनाया हुआ है इसको, 1 पे यहां पे। अब ये ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूअस है। अगर आप देखो पहले आपने कंटिन्यूअस ग्राफ देखे हैं कि जो जहां पे खत्म हो रहा है उसके बाद से वो चीज स्टार्ट हो रही है, ऐसा नहीं है, ये यहां पे खत्म हुआ है। लेकिन अब जो लाइन है y is equal to x है, 1 के बाद y is equal to x उस तरह लाइन होती है, 1 के बाद मतलब ये पॉइंट 1 है, 1 और 1 ये वाला पॉइंट 1 है, तो एग्जैक्टली इसके ऊपर y is equal to x स्टार्ट होगा और x greater than 1 चलता रहेगा। इस पे हम ओपन डॉट रखेंगे क्योंकि यहां पे 1 शामिल नहीं था, यहां पे हमने फिर इसे रखा क्योंकि ये चीज शामिल है, x is equal to 1 या 1 से greater। तो इस टाइप आपको ग्राफ मिल जाएगा, ये बिग पीस वाइज फंक्शनल ग्राफ है। तो डिफरेंट तरीके से आप इनको ड्रॉ कर सकते हो। और आखिरी एग्जांपल है जिसमें थोड़ा और हम मुश्किल फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, रेशनल फंक्शन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है ये। तो अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहो तो एक्स लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव पे क्या बनेगा, एक रेक्टेंगुलर। अगर आप देखो ये 1 अपॉन एक्स जो है इसको जब हम ड्रॉ करते हैं, मैंने आप लोगों को इनइक्वालिटीज में ये बताया था, इसका ग्राफ इस टाइप का बनता है, ठीक है। लेकिन 1 अपॉन एक्स का ग्राफ कब वैलिड है, जब x लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव एक्सिस पे वैलिड है, पॉजिटिव पे वैलिड नहीं है, तो पॉजिटिव पे हम मिटा देते हैं। x इज लेस देन 0 पे आपको मतलब नेगेटिव x एक्सिस पे आपको मिलेगा, 0 पे तो वैसे ही क्रॉस नहीं कर रहा था, एसिम्प्टोट मिल रहा होता है आपको। और 0 या 0 से ग्रेटर पे आपने क्या यूज करना है, y इज इक्वल टू x यूज करना है। तो y इज इक्वल टू x तो सिंपल एक वही स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन पीछे भी जाती है लेकिन वैलिड नहीं है। ये कब वैलिड है, जब x पॉजिटिव होगा या x जीरो होगा। तो जीरो पे ओपन डॉट नहीं बनेगा, एक फिल डॉट बनेगा। तो ये आपको इस पीस वाइज का ग्राफ मिल गया। तो इस तरीके से आप पीस वाइज फंक्शन को ड्रॉ करते हो। तो पीस वाइज फंक्शन टाइप ऐसे इसमें कोई नई बात नहीं होती, लेकिन ड्रॉ करना आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन आप लोगों ने इतने पढ़े हैं नहीं, तो यहाँ पे आके मैंने सारी चीजें ये क्लियर कर दी। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी पीस वाइज का देख लिया होगा, ये मैं बाद में बना रहा हूँ क्योंकि एक सवाल था जो थॉमस कैलकुलस की बुक का था, मैंने कहा ये भी आप लोगों को करवा दूं कि आपको ग्राफ दिया है उससे आपको पीस वाइज निकालना है, तो जरा उसको भी देख लेते हैं आपके पास गिवन क्या है। अच्छा एक और भी इस किस्म का सवाल था मेरे पास, उसको भी हम जरा देख लेते हैं। अच्छा तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ दिया हुआ होगा और आपको बोला जाएगा कि यार इस ग्राफ से आपने ये पीस वाइज फंक्शन दिया होगा, आपको उसकी फंक्शन फॉर्म मालूम करनी होगी। ग्राफ आपको क्या गिवन है एज इट इज, जो ये थॉमस कैलकुलस आई गेस 11th एडिशन है, उसकी बुक का 29 नंबर क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज में भूल गया हूँ कौन सी एक्सरसाइज है, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन फंक्शन के पोर्शन में आई गेस फंक्शन के पोर्शन में जो पहली दूसरी जो एक्सरसाइज होंगी उसी में आपको मिल जाएगा। बार तो ये ड्रॉ किया हुआ उन्होंने। अच्छा जी यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइनस 1.1 पॉइंट है। अच्छा जी इसको बोला हुआ है कि ये 1 पॉइंट है, यहां तक ये 1.1 पॉइंट है, हालांकि सेम होने चाहिए, मैंने थोड़ा
दिखने में थोड़ा हम सही कर लेते हैं इसको, 1,1 ये -1,1 है। अच्छा जी, और हम इसको यहां पे लेकर आना चाह रहे हैं, ओपन है और ये 3 है, दैट्स इट। आपको बस ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपको बोला गया है कि यार आप इसकी फंक्शन फॉर्म निकालो। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे 3 पीसेस में टूटा हुआ है, एक डिसकंटिन्यूअस पीस वाइज फंक्शन है, 3 पीसेस में टूटा हुआ है। सबसे पहले इस पीस की हम बात करते हैं, ठीक है। अब करने का तरीका क्या है, करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले आप जरा मालूम करो ये किस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए ना। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो बाइसेक्टर होती है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का। कैसे मुझे पता चला, क्योंकि ये एक ऐसी वाहिद लाइन होती है जो इन दो बातों को सेटिस्फाई करती है। सबसे पहली बात कि ये ओरिजिन से पास कर रही है, दूसरी बात इसके इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे ना उसमें कोई एक पॉजिटिव होगा कोई एक नेगेटिव होगा। मतलब अगर एक्स वैल्यू पॉजिटिव है तो वाई वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर वाई वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्स नेगेटिव होगा। जैसे अगर आप इस लाइन को फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट में बनाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में सारे एक्स आपको नेगेटिव नजर आ रहे होंगे और मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। जैसे -1,1 फिर होगा -2,2 फिर होगा -3,3, और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे तो यहां पे होगा एक्स पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा। जैसे 1,-1, 2,-2, इस तरह भी पहचान सकते हो या आप इक्वेशन भी निकाल सकते हो। एक पता है आपको कि ये लाइन ओरिजिन पे जाएगी मतलब 0,0, और दूसरा पॉइंट है -1,1, तो आप इससे भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। बहरहाल जो भी तरीका है, मुझे पता चल गया इसकी इक्वेशन, ठीक है। अब चीज ये है कि ये वैलिड कब है, किस डोमेन में वैलिड है। तो अगर आप देखो ये पॉइंट जो है ये -1 पॉइंट है, तो -1 से लेके 0 के अंदर वैलिड है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, -1 से लेके 0 के दरमियान। अब मुझे लिमिट लगानी है, क्या मतलब, क्या -1 और 0 शामिल है? भाई 0 तो शामिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 पे यहां पे उन्होंने ओपन डॉट लगाया है। -1 शामिल है क्योंकि अगर आप देखो एक फिल्ड डॉट है पूरा ही, तो -1 के नीचे आप इस तरीके से लिख दोगे। फिर आप इस दूसरे पीसेस की बात करो, ये जो है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन में वाई आता है, वाई इज इक्वल टू जो यहां पे नंबर है, यहां पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो पीस है इसकी इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब वैलिड कब से लेके कब तक है, भाई ये 1 है, ठीक है, और ये 0 है, तो 0 से लेके 1 तक है। ये सवाल है कि 0 शामिल नहीं है क्योंकि अगर आप देखो ओपन डॉट है, और 1 शामिल है क्योंकि 1 पे फिल किया, इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करो इन दोनों में 0 कहीं भी शामिल नहीं है, दैट्स द यहां पे भी ओपन डॉट यहां पे भी डॉट, 0 यहां पे शामिल ही नहीं है डोमेन के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद तीसरे अगर पीस की बात करो तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसकी इक्वेशन आपने कैसे निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालने के लिए अगेन आपको दो पॉइंट पता है, एक पॉइंट है 1,1 और ये दूसरा पॉइंट क्या होगा 3,0। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के बहुत तरीके होते हैं, आप यहां पे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लो। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगी, आप स्लोप निकालो, स्लोप है, स्लोप आ रहा है -1/2, मतलब इसका स्लोप है -1/2, डेफिनेटली लाइन डिक्रीज कर रही है। इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हो, इक्वेशन निकालने का तरीका होगा x + 2x = जब आप पुट करोगे तो -1 और 2 3 आ रहा होगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, x + 2y - 3 = 0, ये इसकी इक्वेशन है। लेकिन आपको इक्वेशन चाहिए होती है y की फॉर्म में, तो y की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 3 - x और 3 - x/2, ये इसकी इक्वेशन है। आप वेरीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, यहां पे अगर आप x की जगह पे 1 पुट करोगे तो आंसर आपको 1 मिलेगा, अगर आप x की जगह पे यहां पे 3 पुट करोगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा, इसका मतलब आपकी वर्किंग बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा पीस उसकी मैंने इक्वेशन ये लिख दी है। अब ये वैलिड कब से लेके कब तक है, 1 से लेके 3 तक वैलिड है। 1 शामिल है, 1 बिल्कुल शामिल है ओपन डॉट, 3 शामिल है, 3 शामिल नहीं है, आप क्या लिख सकते हो, 3 को आप इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। और अगर आपने यहां पे अगर ऊपर देखो ना, इसमें 1 आपने शामिल कर ली है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो जब 1 यहां पे शामिल है तो यहां से आप हटा दोगे, तो ये हो जाएगा x 1 और 3 के दरमियान, 3 पे ओपन डॉट, यहां पे भी ओपन डॉट होगा लेकिन वो पहले वाले ने उसको फिल कर दिए, आप 1 इसमें शुमार कर लो क्योंकि पहले ही आया हुआ, और इस पे आप 1 शामिल ना करो, ये आपके पास पूरी फॉर्म बन जाएगी पीस वाइज की। इसी तरीके से आपके पास एक और उन्होंने लिखा हुआ है, मैं बस गाइडेंस दे देता हूं आपको, बाकी आप लोग कर लेना क्योंकि आइडिया मैंने दे दिए। एक पॉइंट यहां पे -2,1 है, अच्छा जी, ये मिल रहा है ओरिजिन पे जाके, और ओरिजिन पे भी ओपन डॉट नहीं है, फिल किया हुआ उन्होंने, एक पीस ये है। दूसरा पीस आपको नजर आएगा यहां पे 2 से स्टार्ट हुआ है, ओपन डॉट है,
और इस तरह वन पे गया हुआ है, ये वन है, और फिर यहां से स्टार्ट हुआ है, ये पॉइंट जो है दिया हुआ वन माइनस वन है, और यहां से लेके ये पॉइंट दिया हुआ है थ्री कॉमा माइनस वन है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगेन तीन स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालने का तरीका बड़ा आसान है। ये है जीरो कॉमा जीरो, मतलब जीरो कॉमा जीरो और माइनस टू कॉमा वन। अगर आप देखो तो माइनस टू कॉमा माइनस वन होना चाहिए, मैं वही तो कह रहा हूं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैसे है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो आई गेस ये वाली इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x वाली, ओरिजिन तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी बात माइनस टू कॉमा माइनस वन भी सेटिस्फाई करेगा। आप यहां पे नहीं हाफ करना पड़ेगा, x की जगह पे आप पुट करो माइनस टू, तो माइनस टू अपॉन टू क्या होगा माइनस वन, जो कि y के बराबर है। तो इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स, वैसे भी आप निकाल सकते हो बाकी मेथड से भी। तो बहरहाल पहले पीस की इक्वेशन आ जाएगी x अपॉन टू, वैलिड कब से लेके कब तक है, ये माइनस टू से लेके ओरिजन तक वैलिड है ये। तो आप लिख दोगे माइनस टू से लेके ओरिजन, ओरिजन भी शामिल है मतलब जीरो भी शामिल है और माइनस टू भी शामिल है। फिर दूसरे पीस की बात करो, अगेन आप पॉइंट देख लेना, ये पॉइंट है टू कॉमा जीरो, ये पॉइंट है सॉरी ये हो जाएगा जीरो कॉमा टू और ये हो जाएगा वन कॉमा जीरो। इसकी इक्वेशन आप लोग मालूम कर लेना, वो यहां पर पुट कर देना, और ये वैलिड कब से लेके, जीरो इसमें शामिल नहीं है क्योंकि जीरो का ओपन डॉट है, जीरो से लेके वन तक है और वन इसमें शामिल होगा। फिर अगर आप इसकी बात करो तो ये माइनस वन वैल्यू है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसकी इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू माइनस वन, वैलिड कब से लेके कब तक है, वन से लेके थ्री तक है, जिसमें वन शामिल नहीं है लेकिन थ्री शामिल है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये और भी क्वेश्चन है थॉमस कैलकुलस के अंदर, प्रैक्टिस करनी है आप कर लो। अच्छा यहां पर मेरे पास एक और भी फॉर्मूला था, ये भी एक किस्म का स्टेप फंक्शन है, इसको पीस वाइज के फॉर्म में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा जी यहां पे जीरो, हाँ मतलब ये पूरा पैटर्न आपको नजर आ रहा है, ठीक है, टू शामिल है थ्री शामिल नहीं है, फिर जीरो हो जाएगा, अब थ्री शामिल है, लेस देन फोर है, ये आपके पास लिखा हुआ है, तो एंड पे हाँ फोर शामिल नहीं है। तो अगर आपने इसको ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दो ही फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं, वन और जीरो, मतलब y इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू वन एक लाइन इस तरीके से बनेगी, कंसीडर कर लो उसको वन, और y इज इक्वल टू जीरो लाइन x एक्सिस के ऊपर बनेगी, ठीक है। चार तक बात की गई है तो हम कर लेते हैं, वन टू थ्री और फोर कर लेते हैं यहां पे। तो सबसे पहले जीरो और वन के दरमियान जो लाइन है y इज इक्वल टू वन है, तो मतलब यहां पे एक लाइन बनेगी, वन शामिल नहीं है तो वन पे मैंने ओपन डॉट लगा दिया। फिर वन और टू के दरमियान जीरो है तो इसके ऊपर बनेगी, वन शामिल है तो वन पे एक फिल डॉट, टू शामिल नहीं है ओपन डॉट। फिर टू से लेके थ्री तक टू शामिल है ना, तो यहां पे एक फिल डॉट होगा, वैल्यू इसकी वन ही रहेगी, यहां पे ओपन डॉट होगा क्योंकि थ्री शामिल नहीं है। फिर अगेन यहां पे थ्री शामिल है, फोर शामिल नहीं तो ओपन डॉट रहेगा। तो सर आपका आपको थोड़ा एक स्टेप फंक्शन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब पीस वाइज फंक्शन की काफी एग्जाम्पल देख ली, बाकी आप लोग थोड़ा खुद भी सॉल्व कर लेना। उसके बाद बच्चों सेकंड टाइप है, ये स्टेप फंक्शन कहलाते हैं, फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन, इनको जरा देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात फ्लोर फंक्शन, इसको फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहा जाता है, दोनों इसके नाम है। नाम से ये बता रहा है कि फ्लोर मतलब ये वैल्यू को नीचे कर देगा, फ्लोर पे ले आएगा। क्या मतलब, अगर आप इस पे कोई डेसिमल पुट करते हो, देखो कोई भी डेसिमल दो इंटीजर के दरमियान होता है। आप सबसे पहले इसकी फॉर्म देख लेते हैं, ये ऐसा फंक्शन है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नोटेशन होती है इसकी। अब आपने एक्स कुछ यहां पे पुट करना, अब अगर ये जो फंक्शन है ये आउटपुट में आपको कोई ना कोई इंटीजर देगा, इसका आउटपुट क्या है इंटीजर है। आप यहां पे एक्स कोई भी डेसिमल पुट करो, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे पुट करोगे 2.6, 2.6 बच्चों दो इंटीजर के दरमियान आता है, टू और थ्री। ये क्या करेगा, जो छोटा वाला इंटीजर है ना वो आपको आंसर में दे देगा। तो टू और थ्री में छोटा वाला क्या है, टू है, तो इसका मतलब अगर आप इस फंक्शन में पुट करोगे 2.3 तो ये आपको आंसर टू दे देगा। अगर आप पुट करोगे 2.9 ये तब भी आंसर आपको टू देगा। आप कुछ भी डेसिमल पुट करो ये देखेगा ये किन दो इंटीजर के दरमियान है, इन दो इंटीजर के दरमियान है जो छोटा वाला होगा ये आपको वो आंसर दे देगा। या सिंपल लैंग्वेज में अगर आप नंबर लाइन बनाओ और आप इस डेसिमल को प्लॉट करो 2.9 को, तो 2.9 के लेफ्ट में जो इंटीजर आ रहा होगा ना सबसे पहले वही आंसर आपको दे देगा। इसको हम कहते हैं फ्लोर फंक्शन, ठीक है। तो बेसिक बात, अच्छा अगर आपको इंटीजर दोगे तो ये आंसर में आपको इंटीजर ही देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप माइनस टू पुट करोगे तो ये आंसर में आपको माइनस टू देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नेगेटिव डेसिमल दे रहे हो माइनस 2.3, अब अगेन माइनस 2.3
दो इंटीजर के दरमियान है, माइनस टू और माइनस थ्री। तो इसमें से छोटा क्या है? माइनस थ्री। तो ये आपको क्या देगा? माइनस थ्री। या अगर आप इसको नंबर लाइन पे बनाओगे तो माइनस टू पॉइंट थ्री के लेफ्ट पे माइनस थ्री आ रहा होगा, तो ये आपका माइनस थ्री आंसर कर लेगा। ये सिंपल फ्लोर फंक्शन का काम होता है। आप इसको ड्रॉ किस तरीके से करते हैं? ड्रॉ करने का तरीका बहुत आसान होता है। आप क्या करो, आप सिंपल एक लाइन बनाओ। मैं पहले मार्किंग कर लेता हूं। ये पॉइंट है 1, 1, ये पॉइंट है 2, 2, ये पॉइंट है -1, -1, ये है -2, -2। सिंपल आप एक लाइन बनाओ, वही जो हम बना रहे थे y इज इक्वल टू x वाली, वो लाइन आप बनाओ जो बाइसेक्टर होती है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का। ये लाइन बेसिकली डिसकंटिन्यूस है, लेकिन आसानी से बताने का तरीका आप लोगों कर लो, ड्रॉ करने का आसानी से हो जाएगा, मसला नहीं होगा। जब ये बन जाए, पांच पॉइंट आपके पास बेसिकली आ गए, ये पांच पॉइंट बन गए, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। फॉर एग्जाम्पल इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, और फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मार्किंग थ्री है ना, ठीक है, तो एग्जैक्टली थ्री के ऊपर आप एक ओपन डॉट इस तरह कर दो, इसी तरह इससे बनाओ, एग्जैक्टली टू के ऊपर आप ओपन डॉट कर दो, इसी तरह इससे बनाओ, एग्जैक्टली वन के ऊपर एक ओपन डॉट कर दो, इसी तरह इस पे बनाओ, एग्जैक्टली माइनस वन के ऊपर ओपन डॉट, इसी तरह इस तरह बनाओ, ठीक है, माइनस वन ही जीरो के ऊपर, जीरो के ऊपर आपने यहां पर ओपन डॉट बनाया, फिर माइनस वन के ऊपर ओपन डॉट बना दो, और ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा। अगर आप माइनस थ्री कॉमा थ्री पॉइंट दे रहे हो उस पर भी इस तरह बना दो। ये बनाने के बाद ये जो लाइन आपने बनाई थी इसको हटा दो, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ होता है फ्लोर फंक्शन का। इस ग्राफ को अगर आपने थोड़ा समझना है कि इसके अंदर सेंस क्या बन रही है, वो ये है कि देखो जीरो और वन के दरमियान आप इस फंक्शन के अंदर कुछ भी पुट कर दो आंसर जीरो मिलेगा। मैं इस फंक्शन के अंदर 0.1 पुट करूं, 0.2, 0.3, 0.8, 0.9, सबका आंसर मुझे जीरो मिलेगा। तो देखो जीरो और वन से लेके जो भी आपको आंसर मिलेगा, जो स्ट्रेट लाइन है, ये बेसिकली पीस वाइज फंक्शन कह सकते हो आप इसको, लेकिन स्टेप फंक्शन इसको बोला जाता है। इन द सेंस कि ये जो जीरो से लेके वन तक जो है आपको आंसर क्या मिल रहा है? जीरो। तो वाई वैल्यू अगर जीरो मिल रही है उसका मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर होती है, तो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसी तरह वन और टू के दरमियान आप कुछ भी पुट कर दो आंसर आपको क्या मिलेगा? वन मिलेगा। तो दैट्स वाई जो वन है ना, इस पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है कि वन पे आंसर आपको एक्जैक्टली वन मिलेगा। तो यहां पे ओपन डॉट है, सॉरी फिल डॉट किया हुआ है, इसको मैंने ओपन नहीं किया क्योंकि इसको मैंने फिल नहीं किया क्योंकि वन पे अगर मैं इसको फिल कर देता है इसका मतलब वन पे मुझे जीरो आउटपुट मिल रहा है, तो दैट्स इट, वो सेंस नहीं बनती। वन पे मुझे वन आउटपुट मिलेगा, तो अभी वन के एक्जैक्टली ऊपर मैंने इसको डॉट बनाया है, और वन से बाद ये मुझे वन ही आंसर दे रहा होगा। मैं 1.1 पुट करूं, 1.5 पुट करूं, मुझे आंसर वन ही मिल रहा होगा। अप टू अगर मैं टू पुट करूंगा तो अब मुझे वन आंसर नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई मैं जंप करके यहां पे चला गया हूं, ये टू वाली लाइन है। तो अब टू से लेके थ्री में कुछ भी पुट करूं मुझे आंसर टू मिल रहा होगा। यही काम आप नेगेटिव पे भी लेके जा सकते हो। तो ये सेंस है, अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगी ये फ्लोर फंक्शन का ग्राफ होता है। इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसलिए बोला जाता है के मतलब इसकी फ्लोर फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब अगर आप कुछ x पुट करते हो ना, तो डेफिनेशन में बता रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x, मतलब जो भी आपने x पुट किया है ना, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? आपको आंसर में ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा विच इज लेस देन और इक्वल टू x। इक्वल वाला केस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंटीजर पुट किया है तो वो आपको इंटीजर आंसर में दे देगा, और अगर आपने कोई डेसिमल पुट किया है तो ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा जो उस डेसिमल से लेस है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2.5 की बात करो, भाई 2.5 से लेस इंटीजर कौन कौन से हैं? 2, 1, 0, -1, -2, 2.5 से सब लेस इंटीजर ही है, लेकिन इसमें से ग्रेटेस्ट वाला इंटीजर कौन सा है? ग्रेटेस्ट वाला इंटीजर ये है, तो दैट्स व्हाई ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा जो कि 2.5 से लेस है, जितने भी इंटीजर इसमें ग्रेटेस्ट वाला आपको दे देगा। ये सेंस बनती है इसके नाम की कि ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसी तरह एक और फंक्शन हम यूज करते हैं, उसको आप बोलते हो सीलिंग फंक्शन, जिसका एक और नाम भी होता है कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे नाम से बता रहे हैं कि ये आपको कोई भी आप वैल्यू पुट करोगे ना, ये ऊपर वाला इंटीजर जो है ये आपको देगा। अगर नंबर लाइन में बात करो, आप कुछ भी पुट करोगे तो राइट पे जो इंटीजर आ रहा होगा ना, ये वो देगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? f(x) इक्वल टू इस तरह हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर 2.5 पुट करोगे, ये आपको 3 आंसर देगा। आप यहां पर 2.1 पुट करोगे, ये तब भी 3 आपको देगा। आप यहां पे 5.9 पुट करोगे, ये आपको 6 देगा। आपने जो भी डेसिमल पुट किया है जिन दो इंटीजर के दरमियान है, उसमें से जो राइट पे आ रहा होगा, मतलब जो बड़ा होगा दो इंटीजर में से, ये आपको आंसर दे देगा, ठीक है। और अगर बिल्कुल अगर आप नेगेटिव पुट कर रहे हो -2.3,
तो अब ये आपको आंसर माइनस टू देगा, क्योंकि माइनस टू पॉइंट थ्री दो इंटीजर के दरमियान है, माइनस टू और माइनस थ्री, बड़ा वाला कौन सा माइनस टू, तो ये आपको माइनस टू दे देगा। और जो इसका नाम है ना लीस्ट इंटीजर फंक्शन, वो इसी से सेंस बना लेना आप कि ये आपको डेफिनेशन क्या है, ये आपको लीस्ट इंटीजर देता है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2.1 पुट किया तो 2.1 से ग्रेटर तो कौन कौन से इंटीजर है, 3, 4, 5, 6, लेकिन इसमें से लीस्ट क्या है, इसमें से लीस्ट 3 है, तो ये आपको आंसर में 3 देगा। तो इसका जो नाम है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, उसकी ये सेंस बन रही है। और अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हो तो अगेन आपने क्या करना है, वही पॉइंट को बनाना है 1.1, इसी तरह आप बनाओगे 2.2 पॉइंट, ओरिजिन हो गया, इसी तरह -1, -1 पॉइंट, इसी तरह -2, -2 पॉइंट, ये बना दिया आपने। फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, पहले आपने राइट पे बनाते थे ना लाइन, अब आप लेफ्ट पे बनाओ इस तरीके से कि यू बनाओगे आप, इसको ओपन कर दो, यू बनाओगे एग्जैक्टली वन के ऊपर ओपन कर दो, इसी तरह ओरिजिन से आप यू बनाओगे -1 पे ओपन कर दो, इसी तरह यहां से आप यू बनाओगे, इसी तरह यहां पे यू बनाओगे, ये जो -3 आ रहा होगा कहीं उस पर आप क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे, तो इस तरीके से बन रहा होगा। और अब आप इस लाइन को मिटा दो, ये तो आपने अपनी आसानी के लिए बनाई थी, तो ये भी एक किस्म का स्टेप फंक्शन है, ठीक है। और सेंस वही बना रही है बात कि 0 और 1 के दरमियान आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आप 0.1 पुट करो आंसर 1 मिलेगा, 0.4 पुट करो आंसर 1 मिलेगा, तो 1 मिल रहा होगा। जैसे आप 1 पुट करोगे तब भी आंसर आपको 1 ही मिल रहा होगा, ठीक है। 1 के बाद आप कुछ भी पुट करोगे तो आंसर 2 मिलेगा, तो दैट्स व्हाई 2 पे आपको एक जंप करके इस तरह लाइन नजर आएगी। तो ये सेंस बन गई बच्चों फ्लोर फंक्शन की। तो इस लेक्चर में हमने पीसवाइज फंक्शन को डिटेल में देख लिया, फ्लोर फंक्शन को हमने देख लिया, सीलिंग फंक्शन को हमने देख लिया, उसके बाद कुछ बेसिक से होते हैं आप लोग खुद कवर कर लेना। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा होता है कि आपके पास एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें एक्स या कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर मौजूद होती है, बस शर्त ये होती है कि जो पावर है वो आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। मतलब पहली बात, पावर नेगेटिव नहीं हो सकती पॉलिनोमियल के अंदर, इसी तरह पावर कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकती, इंटीजर होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है पावर या जीरो भी आ सकती है पावर में, तो उस एक्सप्रेशन को आप क्या बोलते हो, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या होता है, आप इक्वल टू जीरो रखते हो, फंक्शन में आप पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स के बराबर रखते हो उस एक्सप्रेशन को। उसके बाद रैशनल फंक्शन होता है, रैशनल फंक्शन ये होता है बच्चों, पहले भी आप लोगों को बताया था लीनियर इनइक्वालिटी में कि फ्रैक्शन में आपको एक फंक्शन नजर आता है जिसका न्यूमरेटर जो है वो भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर जो है वो भी पॉलिनोमियल है, उसको आप क्या कहते हो, रैशनल फंक्शन कहते हो। ग्राफ क्या होता है इनइक्वालिटी में, डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था कि रैशनल फंक्शन को ग्राफ किस तरीके से करना है, इसके अंदर एजेंप्टोट्स के कॉन्सेप्ट बताए थे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, डिटेल में आप लोगों को वहां पे मैंने रैशनल के बारे में बताया हुआ था।